दोस्तों आज हम बात करने वाले 3D ड्राइंग आप कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत आराम से। मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कुछ टूल्स इस्तेमाल करने होंगे, और वो टूल्स कौन से हैं? सिंपल है, आप लोगों को एक स्केल चाहिए, दूसरा आपको पेंसिल चाहिए, तीसरा आपको पेन चाहिए, और चौथा आपको ईयरबड चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। जब भी आप 3D ड्राइंग्स बनाएं तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखें, आपको प्लेन पेपर लेना है, व्हाइट पेपर होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जो है प्रॉपर तरीके से अगर कोई दस्ताने हैं तो वो लगा लीजिए, जिससे क्या होगा कि पेपर ब्लैक नहीं होगा, आप लोगों का पेपर प्रॉपर तरीके से दिखेगा, ठीक है, और उस पर कोई शेडिंग का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप लोगों का जो हाथ है उसके निशान नहीं पड़ेंगे, तो आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप ड्राइंग शुरू करें। अब ड्राइंग बनाते समय आप लोगों को सबसे पहले यहां पर पेंसिल से चीजों को ड्रॉ कर ले रहा है, उसके बाद आप पेंसिल को रफ कर दीजिए और एक आउटलाइनिंग आपके पास आ जाएगी। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पेन का यूज इस तरह से आप स्केल के साथ कर सकते हैं। उसके बाद आपको शेडिंग का काम करना है। अब शेडिंग के काम करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, आप देखिए यहां पर शेडिंग से पूरी पूरी नहीं करनी होती, आप लोगों को शेडिंग में कुछ कुछ पार्ट शेड करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं वीडियो में कुछ कुछ पार्ट शेड कर रहा हूं, पूरा पार्ट मैं शेड नहीं कर रहा हूं, और यहां पर जो शेडिंग है उसमें कुछ ध्यान ये रखना होता है कि आप कुछ पार्ट्स को डार्क कलर में शेड करिए और कुछ पार्ट को हल्के कलर में शेड करिए, क्योंकि जब आप ईयरबड्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप कलर्स को फैला सकते हैं, मतलब आपकी शेडिंग को फैला सकते हैं। तो अब आप देखिए कि मैं यहां पर ईयरबड्स का यूज करके इन कलर्स को या इन शेड्स को फैला रहा हूं, और इससे क्या होगा, पूरी शेडिंग प्रॉपर तरीके से निखर कर आपके आर्ट पर आएगी और आपको प्रॉपर तरीके से जो है ये डिजाइन शो होगा। तो 3D आर्ट जो है आप लोग प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं इस तरीके का इस्तेमाल करके जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये 3D ड्राइंग प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की 3D ड्राइंग मैं आपको सिखाऊं तो वीडियो को और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए सेंसिबल आर्ट।